नमस्कार, TV27 न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। मध्य प्रदेश के ब्यौरी में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सिद्धे से बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर राजेश मिश्रा के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया है और उनके लिए वोट मांगा। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि जो राम के होने का प्रमाण मांगते थे उन्हें जनता ने प्रमाण दे दिया। भगवान राम आज से 17 लाख वर्ष पूर्व भारत में आए थे। उन्होंने एक आदर्श राजा, आदर्श पुत्र और एक आदर्श भाई के रूप में उदाहरण पेश किया। हमने कई सारे विकास की योजनाएं चलाई, हमारी गौ माता सड़कों पर न घूमे इसलिए हमने गायों को मिलने वाले अनुदान डबल कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि कोई भी देश अब हमको आंख नहीं दिखा सकता। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत विश्व गुरु बन गया है। वही बड़वानी में कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में पूर्व मंत्री और खरगोन लोकसभा प्रभारी विजय लक्ष्मी साधो शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश के अंदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का गला घोटा जा रहा है जिसकी शुरुआत 2018 में हो गई थी। उन्होंने कहा कि जब मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट देकर सरकार बनाई तो उसे 15 महीने भी चलने नहीं दिया। साम दाम दंड भेद डिवाइड एंड रूल को अपनाकर पिछले दरवाजे से बीजेपी ने शिवराज मामा की सरकार बना दी। आगे उन्होंने कहा कि लोग संविधान बदलने की बात करते हैं, 400 पार की बात करते हैं, लेकिन इस देश में अहंकार तो रावण का भी नहीं टिका था। लोकसभा पार्लियामेंट चुनाव का और खरगोन बड़वानी जिले में हमारे सम्मानित वरिष्ठ नेताओं ने खड़गे जी, प्रियंका जी, राहुल जी, सोनिया जी और प्रदेश के नेता दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी, इन लोगों ने भाई पोरलाल खड़ते जी को यहाँ का उम्मीदवार बनाया है और हम सब मुझे लोकसभा का यहाँ का प्रभारी बनाया है। झूमा सोलंकी जी हमारी विधायक। वही गणगौर उत्सव खरगोन समेत पूरे निमाड़ का सबसे बड़ा त्यौहार है। चैत्र की नवरात्रि में मनाया जाने वाला यह त्यौहार खरगोन क्षेत्र में बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है। गुरुवार को दूसरे दिन माता की बाड़ी खुली। निमाड़ का सबसे बड़े पर्व गणगौर पर माता की बाड़ियां खुलते ही ज्वारों रूपी माता के पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं का जन सैलाब उमड़ा। इस दौरान श्रद्धालुओं ने जमकर आस्था श्रद्धा देखी। अब वक्त माता को अपने घर घर रथ में ले जाकर आस्था और श्रद्धा के साथ गौरी माँ की आराधना और उपासना करेंगे। वही खड़गोन के मास्टर कॉलोनी की महिला मंडल ने फूलपाती के सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। इस मौके पर महिलाओं द्वारा बारात में जमकर नृत्य भी किया गया। ढोल तशों के साथ बारात महादेव मंदिर परिसर में पहुंची जहां दूल्हे और दुल्हन की शादी की रस्म अदा की गई। वहीं महिलाएं झालरिये गीतों पर नृत्य कर माता की आराधना करती नजर आई। वहीं बारात में शामिल दुल्हा और दुल्हन द्वारा भी जमकर महिलाओं के साथ नृत्य किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष छाया जोशी और अन्य महिलाओं ने इस दौरान जमकर डांस किया। इस पर्व को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह का माहौल देखा गया। निमाड़ के गणगौर पर्व में हमारे यहाँ 9 दिन की नवरात्रि का माता जी का उपवास और ये रहता है, गणगौर की पूजा होती है, जवारे बोते हैं, 11 के दिन मूठ रखाती है और फिर जवारे बोते हैं और उसके बाद जब गणगौर के 3 दिन पूरे हो जाते हैं फिर पाती खेलने जाती महिलाएं। ये निमाड़ का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें शिव पार्वती के जो रूप है उसमें उनका विवाह होता है और बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ये पर्व। जैसे हम बने हुए उत्साह रहता है बहुत ज्यादा, आप देख ही सकते हैं हम कितना उत्साह से ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। सब कुछ नाच गाना सब कुछ होता है। पाती खेलने का क्या खास महत्व है? पाती धनिया राजा और रनु भाई को मतलब इनकी शादी होती है तो उसमें बुलाया जाता है और ये सब कुछ उनका पर्व पूरा अच्छे से शिव पार्वती का मनाया जाता है। क्या नाम है बेटा? अनुष्का। ग्वालियर में लोकसभा चुनाव को लेकर सीमाओं पर चेकिंग हो रही है। इस दौरान SST और बहोड़ापुर पुलिस को एक कार से 2 लाख से ज्यादा की नकदी मिली। इसको लेकर कार में मौजूद व्यक्ति ने कोई जानकारी या दस्तावेज नहीं दिए। इसके बाद पुलिस ने इस रकम को जब्त कर लिया और ट्रेजरी में इसे जमा करा दिया। पुलिस फिलहाल मामले की जाँच शुरू कर दी है।
वहीं मध्य प्रदेश के ऊर्जाधनी जिले सिंगरौली से एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर सामने आई। यहां एक आदिवासी व्यक्ति को अपनी पत्नी को इलाज कराने के लिए करीब 10 किलोमीटर तक कंधे पर लाद कर चलना पड़ा। सरकारी एम्बुलेंस के लिए उसने कई बार प्रयास किया लेकिन नहीं मिली, जिसके बाद उसे यह कदम उठाना पड़ा। पति पत्नी को लेकर सरई सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने इलाज किया। अब हालत में सुधार बताई जा रही है, लेकिन घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद स्वास्थ्य विभाग की किरकिरी होने लगी है। वहीं मध्य प्रदेश के खरगोन जिले से 4 चोरों की गिरफ्तारी की खबर सामने आई है। जिले के मंडलेश्वर पुलिस ने अंतर्राज्यीय सिकलीगर चोर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसमें पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 4 पिस्टल, 80,000 रुपये और 8 जिंदा राउंड, साथ ही चोरी का 85 ग्राम सोने के आभूषण कीमत लगभग 6 लाख रुपये का सामान बरामद किया है। वहीं पुलिस ने आरोपियों पर विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। श्रीमान DIG महोदय द्वारा, पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा चोरी की वारदातों के ऊपर अंकुश लगाने के लिए सभी को निर्देशित किया गया था, जिसके आधार पर थाना मंडलेश्वर में मुखबिर से सूचना प्राप्त होने पर अलग अलग 2 स्थान पर संदिग्ध व्यक्तियों के बारे में बताने पर 2 टीम अलग अलग बनाकर भेजने पर 2 व्यक्ति मिले फर्स्ट टीम को, जिनका नाम एक किरण पाल सिंह। वहीं खड़गौन में नौकरी दिलाने के नाम पर महिला से 1.5 लाख रुपए ठगने का सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां शासकीय स्कूल के शिक्षक सिद्दिक ने नौकरी के नाम पर महिला से 1.5 लाख रुपए खड़गौन के कमाल नाम के व्यक्ति के माध्यम से लिए थे। वहीं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में SP धनराज मीना से मिलकर नौकरी के नाम पर 1.5 लाख रुपए लेने की शिकायत की गई। हालांकि महिला ने 1.5 लाख रुपए ही दिए थे। महिला ने स्थानीय खड़गौन निवासी के रुपए देते वीडियो और फोटो भी बनाए थे। साथ ही SP धनराज मीना ने कहा कि नौकरी के नाम पर महिला से रुपए लिए गए, विवेचना कर कार्रवाई करेंगे। आरोपी नकली नोट के मामले में जेल में बंद है, जांच कर कार्रवाई करेंगे। महिला से शिकायत आवेदन देने को कहा है। वहीं ग्वालियर में अवैध मादक पदार्थों की खरीद फरोख्त करने वालों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मुखबिर की सूचना पर पड़ाव थाना पुलिस ने गांजा लेकर आए 2 तस्करों को चेकिंग के दौरान गिरफ्तार किया। तलाशी लेने पर उनके पास से भारी मात्रा में गांजा बरामद हुआ है। फिलहाल पुलिस ने पकड़े गए तस्करों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया। इस गिरोह में शामिल अन्य लोगों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस अफसरों का मानना है कि पूछताछ करने पर तस्कर से कई और अहम जानकारियां हाथ आ सकती है। थाना पुलिस को जो है मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 4 नंबर स्टेशन जो प्लेटफॉर्म है स्टेशन के लक्ष्मणगढ़ के पास एक व्यक्ति जो है बैग में अवैध मादक पदार्थ गांजा लेकर निकलने वाला है। उक्त सूचना पर पड़ाव पुलिस ने घेराबंदी कर जो मुखबिर की सूचना के अनुसार उस व्यक्ति को तलाशी दी, तो उसके बैग से करीब 8 किलो 900 ग्राम गांजा बरामद। वहीं उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व के कांग्रेस सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब जब देश में कमजोर सरकार रही, तब तब आतंकवाद ने देश में पैर पसारा। आज देश में एक मजबूत सरकार है, इसलिए भारत अब आतंकियों को घर में घुसकर मारता है। यह मजबूत सरकार की ही देन है कि 7 दशकों से जम्मू कश्मीर में लागू धारा 370 को हटाया जा सका। इस दौरान हमारे संवाददाता विपिन नागी सभा में आए लोगों से बातचीत की है, सुनिए। लोकसभा चुनाव का जिस तरह से 19 अप्रैल को बिगुल बज जाएगा और वोट की जो सियासत तैयारियां हैं वो कहीं ना कहीं जो स्टार प्रचारक है वो अपनी ओर से कर रहे हैं। लगातार पूरे उत्तराखंड में जनसभाएं चल रही हैं। इसी के चलते जो है ऋषिकेश में आज नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं उनकी एक जनसभा, विशाल जनसभा की जा रही है। अभी कुछ देर में नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचने वाले हैं, पर एक विशाल हुजूम मेरे पीछे आप देखेंगे जो महिला है पुरुष है। बात करते हैं कि किस तरह से क्या आप किस तरह से सुनते हैं बीजेपी को और क्यों, क्या नाम है आपका? जगमोहन पोखरियाल। जगमोहन जी कहाँ से आए आप? दालवाला से। आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? देश का नेता है। क्या विकास कार्य किए हैं मोदी जी ने और क्यों चाहते हैं? वैसे तो आज तक किसी ने किया नहीं जैसे मोदी जी ने किया, ऐसे नेता मिल नहीं सकता हिंदुस्तान को। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नवीन कुमार गुप्ता है और मैं UP निवासी हूँ। आप ये बताइए कहाँ से आए हैं? मैं उत्तर प्रदेश UP से आया हूँ, योगी जी के शहर से।
योगी जी के शहर से आए, आखिर नरेंद्र मोदी ही क्यों? क्योंकि कांग्रेस भी है और अन्य दल भी है, पर कांग्रेस बीजेपी क्यों? बीजेपी इसलिए सर, जितना काम बीजेपी सरकार ने कराया इतना किसी ने नहीं कराया। गरीब के लिए सुविधा, भगवान राम का मंदिर, अन्य सुविधाएं जो भी हैं, राशन सुविधा, 10,000 स्ट्रीट वेंडर सुविधा, सारे गरीब लोगों के लिए सारी सुविधाएं देते हुए मोदी जी ने उनसे बढ़िया। उत्तर प्रदेश की बात करें, आदित्यनाथ योगी का गढ़ है, खासतौर से वहाँ के मुख्यमंत्री हैं, क्या क्षेत्र का विकास और क्या क्या योगी जी ने किया है? योगी जी जब से आए हुए हमारे उत्तर प्रदेश में, जब से विकास ही विकास हो रहा है, गुंडा राज खत्म हो चुका है, सारे टेररिस्ट आतंकवादी, सारे जो हमें लोग परेशान करने वाले जो व्यक्ति थे, भूमाफिया थे, सबका सफाया हो चुका है। जो योगी जी ने कहा था कि हम लोग गलत लोगों को मिट्टी में मिला देंगे, मिट्टी में ही मिला दिया। अभी हमारे साथ और भी महिलाएं हैं, आइए बात करते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम देव किराना। देव किराना, कहाँ से आई आप? यहाँ तपोवन से। तपोवन से? हाँ जी। आप पूछिए। अरे भाई आप नरेंद्र मोदी जी क्यों? हाँ जी। क्यों, क्या कारण है? उन्होंने देश के लिए बहुत अच्छा काम किया। क्या कार्य किए उन्होंने? की देश के लिए इतना अच्छा काम किया, आज तक जो भी प्रधानमंत्री उन्होंने आज इतना काम नहीं किया। आपका क्या नाम? बीना सिंह। कहाँ से आए आप? हम यहीं से, ऋषिकेश से, तपोवन से। ये बताइए आखिर नरेंद्र मोदी जी क्यों? जिस तरह से और भी कुछ लोग खड़े हैं, आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? धीरज असवाल। कहाँ से आए असवाल जी? ये मैं रानी पोखरी से, भारतीय जनता पार्टी का मंडल उपाध्यक्ष हूँ, युवा मोर्चे से। क्या लग रहा है इस बार ऋषिकेश की बात नहीं, मैं पूरे उत्तराखंड की बात करता हूँ, लोकसभा पांचों सीटों की क्या हालत है? पांचों सीट का प्यार जनता का उत्तराखंड की मोदी जी के साथ है। पांचों सीट भारतीय जनता पार्टी, कमल के फूल, आज मोदी जी यहाँ चले जाएंगे। हरिद्वार की बात, हरिद्वार की पोजीशन ये है कि हम 5 लाखों के ऊपर से मतदान त्रिवेंद्र रावत जी को जिताएंगे। हर बूथ में हमारा कमल खिलेगा। पर ग्रामीण क्षेत्र में तो स्थिति बहुत खराब है। नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत बढ़िया है। कल हमने पूरा भ्रमण करा हरिद्वार के अंदर ग्रामीण क्षेत्र का, वहाँ पे हमारे बूथ बहुत मजबूत है। और क्या स्थिति है? पौड़ी की बहुत अच्छी स्थिति है, वहाँ भी हम कहते रहे पांचों सीट में हम जीतेंगे। कांग्रेस का तो कोई नाम निशानी नहीं है। टिहरी में भी अच्छी स्थिति है, हमारी स्थिति है। आपके सुमित कुमार। सुमित जी क्या कहेंगे आज जो कार्यक्रम हो रहा है जनसभा को लेकर? कार्यक्रम तो ऐसा है जी कि देखो, पांचों सीटों पे कमल का फूल खिलना निश्चित है, और सारे ही जो हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो सभी 5-5 लाख के ज्यादा अंतरों से जीतकर दिल्ली आएंगे, और मोदी जी इस बार 400 पार का जो उनका नारा है वो सर्वसम्मत। वही प्रयागराज लोकसभा सीट से बीजेपी ने नीरज त्रिपाठी को मैदान में उतारा है। नीरज बीजेपी के दिग्गज नेता और पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल स्वर्गीय केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। केसरीनाथ त्रिपाठी उत्तर प्रदेश सरकार में कई बार विधानसभा अध्यक्ष रहे, साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी थे। वहीं नीरज त्रिपाठी ने अपने पिता को लेकर कहा कि वो उनके विकास के अधूरे सपने को पूरा करेंगे, प्रयागराज का विकास उनकी प्राथमिकता है। वहीं काशगंज में पिकनिक मनाने आए 9 दोस्त नहाने के दौरान नहर में डूब गए। उनको डूबता देख स्थानीय युवक उसे बचाने उतरा तो वह भी डूबने लगा। शोरगुल की आवाज सुनकर पहुंचे स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंचे पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से 4 लोगों को बाहर निकाला गया और अन्य की तलाश में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। घटना ततारपुर हजारा नहर के, 5 लोगों के डूबने की सूचना मिलने पर डीएम सुधा वर्मा और SP अपर्णा रजत कौशिक पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। गोताखोरों की मदद से प्रशासन का ऑपरेशन जारी है। 10-12 लोग करीब नहा रहे थे यहाँ बच्चे, और ऐसा कोई मालूम नहीं पड़ रहा था जैसे कि कोई डूब जाएगा या किसी को कोई धक्का दे देगा। ऐसे अचानक एकदम हादसा हो गया, लोग आगे की तरफ बढ़ते गए, एकदम डूब गए। बचाने की कोशिश में एकदम मैं वहां था, उधर 50 मीटर की करीब दूर देखा तो लोग डूबने लगे, भाज के आया तो कुछ नहीं किया। आपकी घटना जो है वो पूरी आपके जानकारी में, मतलब आपके सामने हुई है? जानकारी में हुई है और अचानक हुई है घटना, कोई किसी का कोई वो नहीं हुआ। अच्छा, ये जो लोग थे इनके पता है कहाँ के थे? ये नहीं मालूम कहाँ के थे। यहाँ लोग करीब 10-12 लोग इकट्ठे झुंड में नहा रहे थे यहाँ करीब। वही रामपुर में प्रथम चरण में मतदान होना है, जिसको लेकर सभी पार्टियां प्रचार प्रसार में करने लगी है। तो वही बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने अधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी से मिलकर थाना टांडा इंचार्ज सुरेश पचौरी के खिलाफ लिखित शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत में आरोप लगाया है कि टांडा इंचार्ज रहते हैं तो निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा। शिकायत में तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की बात कही गई है। बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी जीशान अली खान ने एक पुलिस पर आरोप लगा दिया, और ऐसा आरोप लगाया है कि उसके बाद बकायदा बहुजन समाज पार्टी का प्रतिनिधि मंडल
जिलाधिकारी जो निर्वाचन अधिकारी हैं उनसे मुलाकात की और उन्होंने पकड़ा शिकायती पत्र किया है। क्या आरोप है बात कर लेते हैं हमारे साथ जो बहुजन समाज पार्टी है जो प्रत्याशी हैं उनके कोऑर्डिनेटर हैं शाहब खां। शाहब भाई क्या मामला था जो आप आज जिला निर्वाचन अधिकारी के पास पहुँचे? देखिए आज हम माननीय जिलाधिकारी महोदय से मिले थे और उनके माध्यम से हमने निर्वाचन आयोग को एक लेटर दिया है। टांडा में एक कोतवाल साहब हैं सुरेंद्र पचौरी जी, तो उनका उन्होंने इससे पहले भी एक चुनाव कराया था तो लोगों में उनका बड़ा भय था और उन्होंने चुनाव के लिए वोट रोके थे। वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोगों को वोट डालने नहीं दिए थे जिससे काफ़ी चुनाव प्रभावित हुआ था। अब कल वहाँ के लोगों ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो हमने पूछा भाई क्यों करोगे? बोले ये चुनाव डालने वोट तो डालने देते नहीं हमें, अभी से धमका रहे हैं हमें, लोगों पर केस लगा रहे हैं। तो इसलिए वहाँ की जो पब्लिक है, वहाँ की जो जनता है, बड़ी भयभीत है। किसी हालत में पचौरी जी अगर वहाँ पर रहेंगे तो चुनाव प्रभावित होगा। शाह भाई ये जो आपने कंप्लेंट की है तो इस कंप्लेंट में आप क्या चाहते हैं, मतलब क्या कार्रवाई चाहते हैं? हम चाहते हैं कि वहाँ पर निष्पक्ष अगर चुनाव कराना है तो पचौरी जी को हटाना पड़ेगा। पचौरी जी को हटाना पड़ेगा वरना वहाँ निष्पक्ष चुनाव नहीं हो सकता है। तो क्या आप ये मान रहे हैं कि जो अभी उपचुनाव हुए हैं क्या कुछ वैसा ही हो सकता है, इसलिए डर है आपको? बिल्कुल डर है, पूरी जनता में खौफ है और लोगों को डर है कि कहीं इस तरीके का अगर चुनाव होगा तो फिर हम लोगों का चुनाव लड़ना ही बेकार है। चुनाव लड़ना बेकार है, बिल्कुल। तो अगर मान लीजिए कि कोई आपने समय दिया होगा, अल्टीमेटम दिया होगा, अगर इस समय तक कार्रवाई नहीं हुई तो हम ये करेंगे? बिल्कुल, हम जिलाधिकारी महोदय से मिले थे, जिलाधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि चुनाव निष्पक्ष होगा, कोई भी जरा सी गड़बड़ी होगी, आपको गड़बड़ी पाई जाती है आप हमें कॉल करें। उन्होंने हमें अपना नंबर दिया, आरओ का नंबर दिया, सबके नंबर दिए, उन्होंने कहा चुनाव हम निष्पक्ष कराएंगे। तो क्या हटाने के लिए सहमति बनी? हाँ नहीं, हटाने के लिए बिल्कुल, उन्होंने कहा हमने ऊपर भी लिखेंगे और इनको हटाना है। हमने कहा वो भी उन्होंने जैसे कहा जाँच कराएंगे, उनकी जो जाँच वगैरह है वो अपने जो माध्यम से कराते हैं, जो एक पुलिस की या प्रशासन की प्रक्रिया होती है उसके हिसाब से काम कराएंगे। ये थे बहुजन समाज पार्टी के कोऑर्डिनेटर जिन्होंने शाहब अली खान ने जो साफ कहा कि उन्हें डर लग रहा है कि जो उपचुनाव अभी बीच में दो हुए हैं रामपुर में कहीं वैसा माहौल ना हो। इसी को लेकर के जो टांडा SHO हैं सुरेंद्र पचौरी उनके खिलाफ शिकायत की है। कांग्रेस के गढ़वे रायबरेली में प्रियंका सिंह रघुवंशी ने चुनाव लड़ने का मन बना लिया है। रायबरेली सीट से ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट प्रियंका सिंह रघुवंशी ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। वहीं प्रियंका सिंह रघुवंशी ने कहा कि जिन्होंने रायबरेली का कभी सम्मान नहीं किया और ना विकास किया उनको वापस घर भेजना है, यह काम वहां की जनता इस बार करके चुनाव में करेगी। बता दें कि प्रियंका सिंह रघुवंशी एक ट्रांसजेंडर एक्टिविस्ट है और सोशल मीडिया पर उनके काफी फॉलोवर्स हैं। वहीं लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी समाजवादी पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगा रही है, जिस पर सपा प्रत्याशी डिंपल यादव ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को केवल जो रीजनल पार्टी है उनमें परिवारवाद नजर आ रहा है, लेकिन बीजेपी को अपना परिवारवाद नजर नहीं आता, तब उनकी आंखों पर पट्टी लग जाती है। आगे उन्होंने नारी शक्ति बंधन को लेकर कहा कि बीजेपी के नेताओं को याद करना चाहिए कि पूरे देश में जो अपराध की घटनाएं हुई, चाहे वह उन्नाव की घटना हो या हाथरस की घटना हो, NCRB के जो आंकड़े आ रहे हैं उसमें 50% महिलाओं के साथ जघन्य अपराधों में बढ़ोतरी हुई है। जिसको लोग चुनते हैं वही सांसद बनता है, मेरा मानना है, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लगातार सीटें जो चेंज हो रही हैं उसको लेकर भी बीजेपी आरोप लगा के बीजेपी समाजवादी पार्टी ने कर दी। मैं समझती हूँ कि किसी रणनीति के तहत ही सीटें चेंज करी जा रही हैं और हमारा मकसद यही है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें गठबंधन और समाज। वहीं मेरठ हापुड़ लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी और पर्दे के राम अरुण गोविल ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक संदेश जारी किया है। उन्होंने कहा कि मेरठ मेरा जन्मभूमि है, मेरठ के लोग सदैव मेरे सुख दुख में साथ रहे, प्रभु श्री राम ने मुझे इसका ऋण उतारने का अवसर दिया, मेरठ में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, पूरे निष्ठा और समर्पण के साथ मेरठ को अपनी कर्मभूमि बनाकर यह ऋण उतारने का प्रयास करूंगा। मेरी जन्मभूमि है, मातृभूमि है, मेरठ में ही मेरी शिक्षा दीक्षा हुई है, यहाँ की स्मृतियां मेरे मन में आज भी जीवंत है, मेरठ के मेरे मित्र सदैव सुख दुख में साथ ही रहे हैं, अब प्रभु ने मुझे अपनी मातृभूमि का ऋण उतारने का अवसर दिया है, मैं पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ मेरठ को अपनी कर्म भूमि बनाकर ये ऋण उतारने का प्रयास करूंगा। वही खबर नोएडा से है जहां थाना फेज 3 पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने मोबाइल फोन के टावर से कीमती उपकरण चोरी करने वाले 7 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से लाखों रुपए कीमत के चोरी किए गए उपकरण और चोरी में प्रयुक्त होने वाले वाहन और अन्य सामान बरामद किया है।
थाना फेज 3 जनपद गौतम बुद्ध नगर द्वारा जो चेकिंग की जा रही थी, चेकिंग के दौरान दो संदिग्ध उधर से गुजरते हुए बाइक से निकले। पुलिस द्वारा जब उनको रोकने का इशारा किया गया, नहीं रुके, पुलिस द्वारा उनका पीछा किया गया। फिर रोक करके जब उनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो ज्ञात हुआ कि इनके साथ और भी अभियुक्त हैं और इनके पास से, सभी लोगों के पास से हमको 40 RRU बरामद हुए हैं, जिसमें कुल 7 अभियुक्त हैं। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त है ये राधे है और दानिश। राधे और दानिश क्लोज फ्रेंड हैं, आपस में एक ही जगह के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो मोबाइल टावर हैं वहाँ से RRU चोरी किए जाते थे। चोरी करने के उपरांत ये लोग जो कवाली की दुकान है वहाँ पर सेल करते थे उनको। इनकी जो पूरी चैन हम लोगों के द्वारा ट्रेस आउट की गई और अभी तक इसमें जो कुल 7 अभियुक्त जो प्रकाश में आए हैं, 7 को हम लोगों ने अरेस्ट किया है और उनके पास से 40 RRU, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल, 2 कार और जो औजारों के माध्यम से, उपकरणों के माध्यम से जिससे कि ये लोग RRU को खोलते थे, वो उपकरण बरामद हुए हैं। इनके मोबाइल फोन भी बरामद। अरबापुर में आचार संहिता का उल्लंघन करना सपा नेता सम्राट विकास को भारी पड़ गया। गोविंदनगर से सपा प्रत्याशी रहे सम्राट विकास को नमाज स्थल पर राजनीतिक दलों के पोस्टर लगाकर रास्ता रोकने पर पुलिस ने हिरासत में ले लिया और पुलिस पनकी थाने ले गई। जानकारी मिलने पर सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी मौके पर पहुंचे, जिसके बाद कुछ देर बाद सपा नेता सम्राट विकास को पुलिस ने छोड़ दिया। पुलिस की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ईद के अवसर पर ईदगाह में सम्राट विकास ने राजनीतिक पोस्टर लगाया था, जो कि आचार संहिता का उल्लंघन है। सूचना मिलने पर पोस्टर को हटाया गया। इसके बाद पुलिस कार्य में बाधा उत्पन्न की गई, जिस पर पुलिस ने सपा नेता पर कार्रवाई की। वहीं सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी ने कहा कि प्रशासन से चूक हुई है और सम्राट विकास को छोड़ दिया गया है। सम्राट विकास नाम के एक व्यक्ति के द्वारा राजनीतिक पोस्टर लगाया गया, जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन हो रहा था। पुलिस के द्वारा सूचना मिलने पर तुरंत उस पोस्टर को हटाया गया। इस बात से क्षुब्ध होकर सम्राट विकास के द्वारा जो पुलिस ईदगाह में ड्यूटी पे लगी थी, उनके कार्य में बाधा उत्पन्न की जाने लगी, जिसमें जो पुलिस और वॉलंटियर्स की टीम लोगों को जो नमाज अदा करने वहाँ आ रहे थे उनको ईदगाह के अंदर भेजा जा रहा था, ताकि ईदगाह के अंदर आने जाने का जो आवागमन का जो स्थान है वो हमेशा कंजेशन फ्री रहे। इस पर उनके द्वारा लोगों को प्रेरित किया गया कि वो वहीं बैठ के नमाज पढ़े, ताकि ईदगाह के अंदर जाने का रास्ता ब्लॉक हो जाए। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में लोकसभा चुनाव को निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ संपन्न कराने के लिए निर्वाचन अधिकारी सौरभ गहरवार के निर्देश पर तैयारियां की जा रही है। बता दें, जनपद की दोनों विधानसभाओं के 181 मतदान केंद्रों में वेबकास्टिंग की जानी है, जिसके लिए क्रामिकों को प्रशिक्षण दिया गया। साथ ही वेबकास्टिंग की टीमों को कैमरा और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई गई। वही चुनाव के लिए बहज कुछ ही समय बाकी है, ऐसे में केंद्रीय नेताओं का दौरा लगातार छत्तीसगढ़ में एक के बाद एक हो रहा है। जिस तरह बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट मांगने पीएम मोदी बस्तर पहुंचे थे, वहीं अब कांग्रेस से राहुल गांधी का बस्तर दौरा 13 तारीख को होने वाला है। राहुल गांधी के दौरे को लेकर कांग्रेस प्रत्याशी विकास उपाध्याय ने कहा कि कांग्रेस 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ चुनावी मैदान में आया है। वहीं राहुल गांधी के दौरे पर डिप्टी सीएम अरुण साहू ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में भगदड़ मची हुई है, कांग्रेस अपना घर नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस में भगदड़ मची है, कांग्रेस पार्टी अपना घर नहीं संभाल पा रही है। कांग्रेस प्रत्याशियों का न केवल कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं, जनता विरोध कर रही है। इसलिए किसी भी नेता के आने से कोई लाभ कांग्रेस पार्टी को नहीं मिलने वाला है। छत्तीसगढ़ में 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। देखिए, सब जितने भी नेता हमारी लीडरशिप अलग अलग लोकसभा में अलग अलग क्षेत्रों में चुनावी दौरे में जा रही है, चुनावी दौरा है, लोगों से बातचीत करना है। न्याय की बात राहुल गांधी जी ने की है, न्याय दिलाने की बात की है। 10 न्याय 10 गारंटी और 25 न्याय के साथ कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में आई है। मैं समझता हूँ इस न्याय और गारंटी पर हम चुनाव लड़ेंगे। ये न्याय उन उस जनता के, आखिरी जनता के लिए है
जिसको सही में न्याय मिलना की जरूरत है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के माध्यम से कन्याकुमारी से कश्मीर तक का सफर तय किया, फिर उसके बाद दूसरी यात्रा भी। वहीं कांकेर में बीजेपी कार्यालय कमल सदन में हिंदुवादी संगठन के प्रमुख विजय जैन के साथ 180 से ज्यादा हिंदुवादी संगठन के सदस्यों और ग्रामीण महिलाओं ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। कांकेर विधायक आशाराम नेताम, लोकसभा चुनाव संयोजक भरत मटियारा, जिला महामंत्री तुलेप जायसवाल ने सभी को गमछा भेंट किया और स्वागत किया। विजय जैन और उनके साथी संगठन के सदस्यों ने इस मौके पर एक साथ खड़े होकर बताया कि उनका बीजेपी में शामिल होना एक प्रमुख और महत्वपूर्ण कदम है। वे सभी पीएम मोदी और विष्णुदेव सरकार के शानदार कार्यकाल से प्रभावित है। जो शहर के जितने भी हिंदू संगठन जो अपना विजय जैन जो संगठन के माध्यम से सैकड़ों कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में विलय हुए ज्वाइनिंग के, और जिले के जो कार्यालय है अलबेला पारा कार्यालय में, और हमारी योगिता दीदी के निर्देश में भी बहुत सी महिलाएं बहुत सी बहनें आज भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग के, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी है देश के जो हमारी एक ही नेता है नरेंद्र मोदी जी, और नरेंद्र मोदी जी की गारंटी और विष्णुदेव साय जी के छत्तीसगढ़ के सरकार में सुशासन उसकी जो योजना और मोदी जी की गारंटी को लेकर पूरा कांकेर जिला एक भारतीय जनता पार्टी में हो गया है। उसी के रुझान से उसी को देखते हुए पूरे कार्यकर्ता हिंदू संगठन के लोग भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन। बुलेटिन फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 27 न्यूज।